टाइम हो रहा है इनका जो है ना पौना एक बज रहा है, यानी एक बजने वाला है, और इनको इस टाइम लगने लगी है भूख। ये देखें, वाओ लुक सो प्रीटी, ये बहुत प्यारा है। इसे हम गाइस रख लेते हैं यहीं पे। अच्छा सो फ्रेंड्स, अब जो है हमारी कैरेट की कटिंग हो गई, और जो है पीछे की तरफ मैंने जो है ना मैक्रोनीज के लिए भी पानी बॉयल करने के लिए लगा दिया है, और वो होती है ना टेस्ट कसम से बड़ा बेस्ट होता है। सो फ्रेंड्स, कुकिंग करते टाइम सफाई का खास ख्याल रखा करें। लाइक मी, देखें फुल क्लियर मैंने किचन किया हुआ है। सो जो है ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जो है मिक्सचर भी रेडी हो गया है फुल, और वहाँ पे जी ऑलमोस्ट मैक्रोनीज भी डन हो चुकी हैं। सो फ्रेंड्स जी फाइनली जी भाई हमारे मैक्रोनीज रेडी हो चुके हैं, बस अब जो है इसको मिक्स करते हैं एंड देन उतार के सबको पेश करते हैं। बाकी हालत मेरी पेश करने वाली हो गई है कसमें। सो फ्रेंड्स जी ये देखिए रेडी हो गया भाई हमारे मैक्रोनीज यमी से, बस अब इनको ले चलते हैं अंदर और रिएक्ट लेते हैं भाई कैसे बने। Hey guys, it's me Miranja Bar. So welcome back to the new vlog. So friends, how are you all? So I hope you all are well. So before starting video, make sure please subscribe, like, comment so that you can start the video. So friends, इस time घर वालों को लग रही है भूख, इस time मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये late night हो रही है भाई। Time जो है ना अभी time हो रहा है इनका जो है ना पौना एक बज रहा है, यानी एक बजने वाला है, और इनको इस time लगने लगी है भूख। और अब क्या फरमाइश है भाई आप लोग की, घर वालों क्या फरमाइश है? मैक्रोनी बना के दो, क्या फरमाइश है आपने? वो भी वेजिटेबल सही है, खैर कोई नहीं। बाकी मैं चिकन विकल कोई नहीं डालूंगी क्योंकि उसको गलने में बहुत देर लगेगी और मैं इतनी कोई वेली नहीं हूँ। बाकी स्कूल भी जाना है मुझे, सही है, तो सारा सब ये सीन है और भी यही बड़ा मसला है। तो खैर कोई नहीं, मम्मा को जो है ना अपने साथ हमने भी बिल्कुल अपने जैसा कर दिया। अभी पापा सो चुके हैं क्योंकि उनको ऑफिस भी जाना होता है, मम्मा को भी 10 बजे सो जाती है बिल्कुल, लेकिन मम्मा को हमने अपने जैसा कर दिया बिल्कुल। मम्मा आपने जो है ना 1 बजे से पहले नहीं सोना, मम्मा कहती हैं ओके बेटा, मतलब उनको ऐसा कर दिया बस मस्ती में बिठा के रख देना। तो खैर कोई नहीं, ज़्यादा बातें नहीं करें, ऐसा ना हो 1 से 2 बज जाएँ। तो फिलहाल चलते हैं इसी किचन में और देखते हैं चल के क्या सीन है किचन का, और बाकी कुकिंग वगैरह करते हैं। जरी बेटा सबसे पहले इसकी फरमाइश थी, वाह इसे कितना प्यारा यूनिकॉर्न बनाया गाइस, लेट मी शो यू। ये देखें, वाओ लुक सो प्रीटी, ये बहुत प्यारा है। इसे हम गाइस रख लेते हैं यहीं पे। अच्छा इसे ना मैं वहीं पे ड्रेसिंग कर लूँगी, बट अभी जो है ना आप आओ, मैं उसे दूंगी, आप आकर हेल्प करो। हाँ जी हाँ, सो फ्रेंड जरीन भी आ गई है, देखें चलो भाई। मेरा मेरी बात सुनो, मेरा सांस जा रहा है भूख से और तुम कह रही हो मेरी मदद करो। वाह वाह, अच्छा बस परफेक्ट, खाओ और सो। खैर कोई नहीं चलते हैं। बाकी जो है लाइट्स वगैरह ऑल पूरे घर की क्लोज लगी हुई है गाइस, इग्नोर दिस जो भी है ये, शाफिन बंद करो, रात का टाइम हो रहा है, गाने नहीं चला जाते रात के टाइम, सही है। सो फ्रेंड्स बंद करें, बंद करें। सो फ्रेंड्स चलें बिना वेस्ट टाइम किए किचन में चलते हैं। सो अगेन आई विल से यू दैट बिफोर स्टार्टिंग वीडियो सब्सक्राइब लाइक, मम्मा को भी गाइस मिड नाइट क्रेविंग करनी है हमारे साथ, आज हमें तो आज अच्छा बचा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसको बात करते हैं कॉल डायरेक्ट सो रहे हैं, अगर उनकी तरफ आवाज़ गई हमसे, हमारी नीड्स एक जैसी है। लाइट ऑफ कोई ना कोई नहीं, लाइट हम ड्राइंग रूम की ऑन करते हैं कॉज अगर लाउंज की ऑन की तो बड़ा ही मसला हो जाना है। तो चलते हैं जी किचन में, किचन में चल के सारा सीन वगैरह बनाते हैं। हाँ तुम ये करो हैं, सही है परफेक्ट बेटा सही। चलते हैं जी गाइस किचन में, चप्पल मैंने पहननी है क्योंकि मुझे किचन में इस तरह जाना मज़ा नहीं आता, सो दैट्स व्हाई बाय द वे घूमती भी ऐसे ही हूँ मैं घर में भी चप्पल पहनती। तो चलते हैं जी किचन में सेटअप वगैरह। सो फ्रेंड्स अभी जी किचन में मैं आ चुकी हूँ, किचन में मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें मिली हैं, कैबेज और कैरेट, सही है वेजिटेबल में। हाँ आ जाओ ऊपर चढ़ के आओ। सो इसको जी हम लोग कटिंग करते हैं, सबसे पहले इसकी बैठो, आ जाओ बैठो, आकर इधर बैठो बेटा बैठो इधर। ग्रीन अनियन है मम्मा से पूछ करा, पहले वीडियो बनाओ, पहले वीडियो होता है, पहले वीडियो बनाओ, तुम जाके पूछ कर आ जाओ ना। नहीं चुप करो, अभी जो है गाइस हम लोग ना सबसे पहले नाइफ को हम लोग थोड़ा वॉश कर लेते हैं। मैंने जो भी कपड़े पहने हुए हैं इग्नोर इट, कॉज बस रात का टाइम है और रात के टाइम ऐसे ही होती हूँ मैं। Thank you.
सो फ्रेंड्स, अब जो है हमारी कैरेट की कटिंग हो गई और जो है पीछे की तरफ मैंने जो है ना मैक्रोनीस के लिए भी पानी बॉईल करने के लिए लगा दिया है। एंड देन इसके बाद जो है ना अपने उसके लिए भी जिसमें फ्राई करेंगे हम लोग, सबसे पहले कैरेट्स हम लोग फ्राई करेंगे। एंड देन का सबसे मैं आप लोग को बेस्ट ट्रिक बताऊँ क्या, आप लोग की मैक्रोनीस का टेस्ट बड़ा ही मस्त होगा। अदरक लहसुन आप लोग डालो ज़रूर, उसका पेस्ट जो है ना लिटरली उसकी जो वो होती है ना टेस्ट कसम से बड़ा बेस्ट होता है। वैसे मुझे नहीं पता ये कैसे कट की जाएगी शेप में, किस वो कर दो ना थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बस कट की जाएगी। हाँ बस सही कर रही हूँ फ्रेंड्स, हमारे सो फ्रेंड्स वही ट्रिक सबसे पहले मैंने आपको बताई, अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोगों को डालेंगे ना पहले से ही जो है ना उसमें जो ऑयल का टेस्ट होता है ना, मतलब वो जो पक जाती है उसका टेस्ट ही बेस्ट हो जाता है। बाकी हाफ कटिंग मैंने यहाँ पे कर ली है, हाफ और स्मेल हो गई होगी ना, आई नो वेरी वेल। खैर कोई नहीं, हाथ वगैरह धोते हैं। बाकी जो है और मम्मा से मैंने जो है अपने मैक्रोनीस वगैरह ऐड करवाया, बिकॉज मुझे इनकी क्वान्टिटी नहीं पता थी स्प्रेड्स वाय, तो बाकी मॉम की एक न्यू डिश यूज़ कर रही हूँ, एक जो है जली हुई, क्योंकि जली हुई इसलिए क्योंकि मैक्रोनीस की वजह से फ्राई करने हैं, और दूसरी जो है साफ़ अच्छी क्योंकि वो तो ज़्यादा नहीं है फ्राई करने कह रही हूँ, सॉरी उसमें बॉयल करने हैं स्प्रेड्स वाय। सो खैर कोई नहीं, अभी जो है हम लोग सॉरी मैं स्लो बात कर रही हूँ, कॉज डेड सो रहे हैं फिर बाकी, तो फिर मुझे पता है मैं सब क्या है। और कैमरा मैन आप आ जाए अपनी जगह पर, बाकी जो है थोड़ा सा अभी ये हो गए बस जल्द ऐसे ना जल जाएँ, तो जो है हम लोग जल्द से कुक करना। सो फ्रेंड्स कुकिंग करते टाइम सफाई का खास ख्याल रखा करें, लाइक मी देखें फुल क्लियर मैंने किचन किया हुआ है। सो जो है पानी पी लेते हैं, मैक्रोनीस तो हम लोग खाते नहीं सो खाली फिलहाल पानी ही पी लेते हैं। बाकी यहाँ पे हमारी कैरेट फ्राई हो चुकी है, ये भी हो रहे हैं, आई होप सो कि जल्दी बस हो जाएगा। हाँ समझ जी, बाकी पानी वगैरह पी लेते हैं, कॉज जो है अभी शेफ थक गई है, सब वही काम करना आना चाहिए लाइक मी। सुनो गाइस कुकिंग में मास्टर हूँ और काम मुझसे नहीं होते, लेकिन हाँ कुकिंग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं मैं सीख चुकी हूँ, सो बस और भी चीज़ें सीखूँगी दैट्स व्हाई प्रोफेशनल शेफ हो जाऊँगी गाइस। तो जो है बाकी हाँ किचन में भाई साफ़ रखती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए ना किचन में ना एक चीज़ भी ना इस तरह मिसप्लेस नहीं हो जाती, सब सेटिंग से पड़े होती हूँ, किचन में बिल्कुल साफ़ रखती हूँ गाइस। ओके सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जो है मिक्सचर भी रेडी हो गया है फुल, और वहाँ पे जी ऑलमोस्ट मैक्रोनीज भी डन हो चुकी हैं, अब बारी आती है हमको छान कर कुक करने की, मतलब साफ मिक्सचर बनाने की। सो जी अब ये सीन है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है किचन में लिटरली। खैर कोई नहीं, ऊपर से जो है बस क्या बोलूँ अब मैं, खैर कोई नहीं फरमाइश नहीं कर रहा कि पूरी तो करनी थी, ऐसी बात है इतने दिनों के बाद एक मैं मैक्रोनीस बना रही हूँ, ऊपर से पूरी तो करनी थी फरमाइश। खैर कोई नहीं बस अब जी बारी आती है रिजल्ट्स लेने की, अब इतनी स्ट्रगल की अब रिजल्ट्स लेना बहुत ज़रूरी है ना, तो जल्दी से फटाफट जो है इनको सेटिंग करके पेश करते हैं जी का जाकर, और पूछते हैं कि भाई कैसी बनी है। सो फ्रेंड्स जी फाइनली जी भाई हमारे मैक्रोनीस रेडी हो चुके हैं, बस अब जो है इसको मिक्स करते हैं एंड देन उतार के सबको पेश करते हैं। बाकी हालत मेरी पेश करने वाली हो गई है कसमें, इतनी गर्मी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए रेडी हो गया भाई हमारे मैक्रोनीस यमी से, बस अब इनको ले चलते हैं अंदर और रिएक्ट लेते हैं भाई कैसे बना। सो फ्रेंड्स जरीन ये ऑफ करो बेटा एक मिनट, बीच वाला बटन प्रेस करो बीच वाला। हाँ भाई कैसा है जरीन भाई। सो फ्रेंड्स जरीन जी रात के इस पैर मैक्रोनीस खाते हुए, आधी रात को तकरीबन गाइस आधी रात हो रही है, आधी रात को मैक्रोनीस खाते हुए। हाँ भाई शापिन सही है, अच्छे हैं। मम्मा जी कैसे हैं जी? मम्मा मम्मा ने अभी रिमार्क्स दिए कि भाई ज़बरदस्त। सो खैर कोई नहीं, ये जी खा रहे हैं अपना, थोड़ी सी बच गई है मैक्रोनीस। बाकी जो जरीन ने मुझे फरमाइश कहा था कि भाई जरीन हुरैन मैक्रोनीस थोड़े ज़्यादा बनाना, अब उसके जरीन के लिए ज़्यादा बनाए, अब बस जो है कुछ नहीं खाया कि बाकी को दौर क्या। बाकी जो है माशाल्लाह इनको अच्छे लगे हैं, बस मेरे लिए और क्या खुशी की खबर हो सकती है गाइस। सो फ्रेंड जो जरीन खाना बिल्कुल नहीं खाती, बस यही गंद खाती है, तो आज मेरा भी दिल किया मैंने कहा चलो बना दूँ। बाकी फिर जैसे जरीन कहती है मेरे खाने हैं, मैंने कहा चलो मैं इसको वेजिटेबल वाले बना के देती हूँ, मम्मा ने भी कहा शाफिन ने भी कहा हम सब खाएंगे, तो मैंने कहा चलो मैं बस बना ही लेती हूँ वेजिटेबल वाले सही तरह अच्छे परफेक्ट। चिकन वाले बनाती है, अब चिकन को फ्रीज़र से निकालो वो फ्रीज़ हुई भी, फिर उसको टाइम लगता खुलने में, फिर फ्राई करो फिर टाइम लगता, तो इस वजह से बाकी जो है ना मैंने अगर मैं चिकन बनाती अपने लिए भी कुछ ज़रूर क्रिस्पी चिकन वगैरह कुछ बनाती। खैर कोई नहीं मुझे इतनी भूख नहीं लगती, माई फेवरेट दूध पी लेते हैं गाइस और क्या। तो खैर
यही बस वेजिटेबल इनको मैंने बना के दे दी वेजिटेबल में जल्दी में। सो इस व्लॉग को जी करते हैं गाइज यहीं पे एंड। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक कमेंट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बाय गाइस।